पड़ोस की रिश्तेदारों में एक लड़का है जिसका एक्सीडेंट हो गया था 6 साल पहले। उसी गर्दन में स्क्रू नट डाले हुए थे, उसमें जानलेवा दर्द होता था जिससे उस लड़के को नींद नहीं आती थी। फिर इन्होंने उसके लिए चर्च प्रेयर टावर से प्रार्थना करवाई, उसके बाद वो बिल्कुल ठीक है, हालेलुया। और इनके घर के मीटर 12 दिनों से खराब हो गया था और इनकी सुनवाई नहीं हो रही थी। फिर इन्होंने परमेश्वर से प्रार्थना की, उसके बाद बिजली वाले एक दूत के समान 10 मिनट में ही इनका सारा काम कर दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये मैं रिश्तेदारी के अंदर गया हुआ था तो वहाँ एक पड़ोस में लड़का था जो 6 साल पहले एक्सीडेंट हुआ था, तो उसके गर्दन में स्क्रू डाले हुए थे जिससे उसको जानलेवा दर्द होता था। उसने काफ़ी सफदरजंग में डॉक्टरों को दिखाया लेकिन कोई आराम नहीं हुआ। तो फिर मैं जैसे ही पहुँचा ना तो मैंने उनकी प्रेयर टावर से प्रेयर कराई तो वो बिल्कुल सही है। उसने फोन किया ना मामा मेरा दर्द बिल्कुल खत्म हो गया। गर्दन में स्क्रू नट डाले हुए थे, एक्सीडेंट में गर्दन टूट गई थी तो वो स्क्रू डालते हैं कोई मेडिकल लाइन तो वो नट वगैरह तो उसमें दर्द होता है। दर्द हो रही थी। हाँ जी, वो लेटा रहता है, अभी वो आएगा चर्च, उसकी डिस्क में प्रॉब्लम है कुछ, लेकिन वो दर्द उसका बिल्कुल खत्म हो गया। उसने सुबह फोन किया, मैं बोला मामा मैं आज 6 साल में चैन की नींद सोया हूँ। 6 साल में पहली बार रात को चैन की नींद सोया हूँ। सिर्फ इन्होंने फोन पर प्रार्थना कराई उसके लिए, परमेश्वर का धन्यवाद करते गुवाही के लिए। और मैं 8-9 दिन 12 दिन से बिजली बोर्ड के चक्कर लगा रहा था, फोन कर रहा था भाई मेरा मीटर खराब है, मेरी कंप्लेंट एक्सेप्ट करो और मेरा मीटर सही करके जाओ, लगा के जाओ, लेकिन वो आई गोई कर रहे थे ऐसे ही। और फिर मैंने एक दिन दुकान पे बैठा, सोचा आज मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ। और जैसे ही मैंने प्रभु से प्रार्थना की और मैंने फ़ोन किया तो उन्होंने मेरे को टाइम दिया, भैया आप 2 बजे आ जाओ। मैं 2 बजे ही जैसे गया तो वो बिजली बोर्ड का जो आदमी था मेरे को लेने गेट पे आया और नुकर आ जाओ आप। उन्होंने फट से अपना काम किया और 4 दफ्तरों में और लेकर गए, फट फट करा के ना प्रभु की दूत की तरह। मैं ये समझा ये मुझसे पैसे लेगा, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं कहा और चुपचाप चला गया। हालेलुया। और मेरी चौथी गवाही है, मैं रात को वहाँ रेवाड़ी स्टेशन से बैठा तो एक दूध पीती बच्ची आई हमारे साथ 1-1.5 साल की, तो वो रुक नहीं रही थी, ज़्यादा रो रही थी। तो उनकी दादी जी कह रही थी मैं वापस चली जाऊँगी इसको लेकर के, ये रुक नहीं रही है। ओमी भाई की पोती थी वो, तो फिर मैंने बिशप जी से वॉइस कॉल पर उनकी प्रेयर कराई, जबके बाद वो बच्ची अब तक नहीं रोई। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस गवाही के लिए।